बीजेपी ने शुरू करा अपना घटिया स्तर का चुनाव प्रचार। मैं भी चौकीदार वाले कपों में लेकर रेलवे पर निशाने पर। रेलवे एक बार फिर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में घिर गया है। जब यात्रियों ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें जिस पेपर कपों में चाय दी गई उन पर मैं भी चौकीदार लिखा था, काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक यात्री द्वारा पेपर कप की तस्वीर के साथ किया गया ट्वीट वायरल हो गया। रेलवे ने कहा कि उसने कप हटा लिए हैं और ठेकेदार को दंडित किया है। ऐसा दावा किया गया है कि इन कपों में दो बार चाय दी गई। कप का विज्ञापन एनजीओ संकल्प फाउंडेशन ने दिया था। कुछ दिन पहले रेलवे पर चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली टिकटें जारी करने के आरोप लगे थे। बाद में रेलवे ने सफाई दी कि यह अनजाने में हुई है गलती है। आईआरसीटीसी के एक प्रवक्ता ने बताया कि उन संबंधों में जांच की गई है जिनमें कहा गया है कि मैं भी चौकीदार लेबर वाले कपों में चाय दी गई है। ये आईआरसीटीसी की ओर से बिना पूर्व मंजूरी दिए किया गया है। सुपरवाइजर पेंट्री प्रभारी ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने कहा कि सेवा प्रदाता पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाने के नोटिस भी दिया गया है। सवाल ये नहीं है कि उनको चाय कहां से परोसी गई, इस तरीके का कंटेंट किस तरीके से आ जाता है और किस तरीके से, जैसे रेलवे के ऊपर टिकट का था और अभी आचार संहिता लगने के बावजूद भी रेलवे के अंदर चाय कपों में परोसी जा रही है, तो इस तरीके घटिया प्रचार से बीजेपी क्या दिखाना चाहती है। अपने कार्यों को गिनवाने की जगह मैं भी चौकीदार हूँ, मैं चाय वाला हूँ, इस तरीके के प्रचार अभियान पे लगी हुई है। क्या कभी किसी देश में इस तरीके का प्रचार होता देखा है? ये थी एसएम न्यूज की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।